Let's take yeah. five. Come. पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि व्हाट इज सिटी ऑफ ड्रीम्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू वॉच द स्क्रीनिंग. जो दो बंदे यहाँ दिख रहे हैं, ये प्रिया और सिद्धार्थ, दे बोथ आर माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड दे हैव इनवाइटेड मी फॉर द स्क्रीनिंग. सो आई एम वेरी ईगर टू वॉच. आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ नागेश जी, सो आई एम डेस्परेट टू वॉच इट. लेट्स सी. हाँ, बहुत एक्साइटमेंट हुई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर वर्किंग विथ नागेश जी, दैट्स अ पॉइंट ऑफ एक्साइटमेंट बेसिकली. सचिन जी पण आहेत आणि सो नागेश जी बहुत दिन के बाद वेब सीरीज कर रहे हैं, तो वेरी ईगर टू वॉच इट. हाँ, बहुत अच्छी बात है. जिस तरह का मार्केट मराठी फिल्मों का बढ़ रहा है या फिर मराठी प्लेस का बढ़ रहा है, उस तरह मराठी वेब सीरीज भी आनी चालू हुई है, तो बहुत ही अच्छी बात है. वेरी पॉजिटिव मूवमेंट फॉर अस. कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स पे बेस्ड फिल्में बैन की जा रही है, तो इस फिल्म को भी, इस वेब सीरीज को भी डब हो सकता है रिलीज होने के बाद कि शायद कुछ हो सके. बैन बैन नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो रही है. हाँ, पोस्टपोन हो रही है. दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल लिमिटेशंस, पॉलिटिकल बाउंड्रीज. सो जो भी जिस किसी पॉलिटिशियन के ऊपर फिल्म आ रही है, अगर वो चुनाव में उस पर खड़ा है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं आ सकता. तो दैट इज़ पॉलिटिकल बाइंडिंग. सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट वी गो फॉरवर्ड एंड वी हैव टू वेट फॉर द प्रोजेक्ट टू कम. दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द क्रिएटर. अगर क्रिएटर चाहते हैं कि इन्फ्लुएंस हो इलेक्शन, तो होना चाहिए. अगर वो नहीं चाहते तो नहीं होना चाहिए. इसके अलावा आईपीएल कितना फॉलो कर रहे हैं? आईपीएल बहुत फॉलो कर रहा हूँ. हाँ, फेवरेट टीम, फेवरेट प्लेयर? ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस. और लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा रसेल है, विराट है, अजिंक्य रहाणे है, स्मिथ है. बट माय ऑफ कोर्स माय फेवरेट टीम शुड बी मुंबई इंडियंस. सर, इसके अलावा सर लास्टली वोटिंग के लिए लोगों का फील कर दीजिए. हाँ, वोटिंग बहुत कम हो रहा है. पुणे में भी बहुत कम वोटिंग हुआ. दिस इज़ नॉट गुड साइन. वोटिंग करना चाहिए. हम लोगों का कर्तव्य है वो, इट्स आवर ड्यूटी. सो प्लीज़ गो एंड वोट. और ये वाला
which main camera this? Very excited. I'm been watching Hotstar specials. The previous show that they did, Criminal Justice, मेरे को बहुत अच्छा लगा. और next show जो है इसके बाद City of Dreams के बाद जो आ रहा है वो है Hostages, जो मेरा show है, which I'm very very excited for. And अब IPL चल रहा है and IPL के बीच में ये सारे shows आ रहे हैं, so that is really really great timing. और नागेश कुकुनूर हैं जो सिटी ऑफ ड्रीम्स के डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम किया है एंड ही इज़ सच अ फाइन डायरेक्टर. इतना प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड डायरेक्टर हैं एंड अप्लॉज जिन्होंने इसे प्रोड्यूस किया है, दे आर जस्ट द बेस्ट गाइज. प्रोमो कैसा लगा? प्रोमो में कहानी से बताई गई है, फैबुलस, बहुत अच्छा. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर कॉन्टेंट इन इंडिया. वो कहानियाँ जो अब तक कोई माध्यम नहीं था उनके लिए, वो कहानियाँ जिनके लिए कोई माध्यम नहीं था बताने के लिए, वो अब एक माध्यम आ गया है बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक हॉटस्टार. ऑलमोस्ट द एंटायर कास्ट, सो फैबुलस. हाँ, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं. आई बीन बिजी विद राइटिंग सम स्टफ, तो थोड़ा थोड़ा, नॉट टू मच. धोनी टीम CSK. प्लीज वोट, this is the way to go. If you want the right leader, it's your right to have it. Vote. Thank you. तुम्हें पर हीरो साहब थोड़ा पुढे यार, थैंक यू इन हिंदी. हाँ हाँ, प्रयत्न करते. हॉटस्टार स्पेशल पे ये वेब सीरीज आ रही है, 3 मई को शुरू हो रही है. सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसको बनाया है नगेश कुकुनूर और कुकुनूर प्रोडक्शंस ने, और अप्लॉज के साथ मिलकर उन्होंने ये कलाकृति बनाई है जिसमें कि हम दोनों हैं और हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्टर्स भी हैं. हाँ, और काफ़ी ये पूरे वेब सीरीज़ का मराठी बैकग्राउंड है, तो बहुत सारे मराठी एक्टर्स, लीडिंग मराठी एक्टर्स इस वेब सीरीज़ में होंगे, यानी कि अतुल कुलकर्णी जी है, उदय टिकेकर जी है, प्रिया बापट है, सचिन सर है, मैं हूँ, और भी बहुत सारे मराठी एक्टर्स इसमें शामिल हैं. लेकिन सिर्फ मराठी एक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि ये एक हिंदी भाषिक सीरीज़ है और साथ साथ हिंदी के अलावा 6 और भाषाओं में इसको डब भी किया गया है. या जैसे कि हिंदी के साथ साथ मराठी है, बंगला है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ा है, तो 7 भाषाओं में विद ओरिजिनल 1 लैंग्वेज विच इज़ हिंदी, या हिंदुस्तानी से कहते हैं जी. आपको आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो फिल्म बोलते हैं, आप वेब सीरीज जब बोलते हैं तो टीवी सीरीज बोलते हैं, तो इसी में डिफरेंस है. देखिए, मेहनत तो एक ही होती है, चाहे हम फिल्मों में काम करें या फिर वेब सीरीज़ में काम करें या फिर टेलीविज़न और थिएटर में काम करें, मेहनत तो वही होती है. लेकिन आप ऐसा सोच सकते हो कि वो कलाकृति बनाने का ज़रिया अलग होता है, वो हर एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है. सो टेलीविज़न एक किस्म के ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया जाता है, वैसे ही ये वेब सीरीज़ एक ऑडियंस को दिमाग में रख के बनाया गया है. एंड आई मस्ट से इसका ऑल ओवर, अगर ये
ये मराठी वेब सीरीज़ नहीं है, लेकिन इसमें मराठी एक्टर्स है, मराठी बैकग्राउंड है, महाराष्ट्र का बैकग्राउंड है, लेकिन ये स्टोरी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है, ये बिहार में भी हो सकता है, ये राजस्थान में भी हो सकती है, साउथ में भी हो सकता है. सो ओनली द बैकग्राउंड इज मराठी बट द स्टोरी इज़ यूनिवर्सल, द स्टोरी इज़ इंडियन, प्योर इंडियन. और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी इसे देखा जाएगा और इसको सराहा भी जाएगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो छोटे होते उम्र में उन्हीं ने ठेका ले रखा है सीखने का और बड़े कुछ सीख ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. बड़ों का काम भी है सीखना और जितने यंग लोगों के साथ आप काम करेंगे उतना आपको सीखना नसीब होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है. तो इस वजह से उससे कभी शर्माइए मत और कभी उसको छोटा मत समझना कि अगर आपके उम्र में छोटे जो हों उनसे अगर सीखना नसीब हो रहा है तो यू आर लकी. आई एम द लकीस्ट देन आई वुड से कि मुझे सचिन सर के साथ दूसरी बार काम करने को मिल रहा है. एक मराठी फिल्म हमने पहली बार की थी, अभी इसमें काम करने को मिल रहा है. इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू वर्क विथ हिम बिकॉज वो है सीनियर, हम सब जानते हैं, लेकिन वो दिखाते कभी भी नहीं है. ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही विल डू थिंग्स फॉर यू आउट ऑफ द वे एंड ही विल ऑलवेज एनकरेज यू टू डू बेटर एंड बेटर इन एवरी सीन. सो दिस रेयरली हैपन्स एंड आई मस्ट से दैट आई लव टू वर्क विद सचिन सर व्हेनेवर आई गेट दिस चांस टू. मी टू. नहीं, ये ड्रामा है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर या उसके इंटीग्रिटीज जो होती हैं पॉलिटिक्स की, सिर्फ उस पर ही आधारित नहीं है, ये एक ड्रामा है. और ड्रामेटिकली इसे नगेश कुकुनूर ने प्रेजेंट किया है, और अगर नगेश कुकुनूर ने अगर किया है तो उसमें कोई तो बात होगी, वरना नगेश कुकुनूर ऐसा आदमी तो है नहीं कि वो किसी भी चीज़ को हाथ लगा दे. जब हमें स्क्रिप्ट दी तो उस पर लिखा था सिटी ऑफ ड्रीम्स डायरेक्टेड बाय नागेश कुकुनूर, तभी हमने तय कर दिया कि ये करना है हमें. सो व्हेनेवर नहीं, क्योंकि अदरवाइज वो हमारे बारे में सोचेंगे भी नहीं. अगर उन्होंने सोचा है तो कोई कारण तो होगा, और वही कारण हमारे लिए काफ़ी है इसको करने के लिए. सिटी ऑफ ड्रीम मुंबई को भी कहा जाता है. जी बिल्कुल, मुंबई को भी नहीं, मुंबई को ही कहा जाता है. मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स है अभी एक्टर बनने के अलावा. जो मुंबई में पूरी हो गई हुआ, मुंबई में पूरी हो गई हो. देखिए, मैं जब मुंबई आया था, मेरा एक सपना था कि खुद की गाड़ी हो जिंदगी में. तब नहीं ले सकता था क्योंकि उतना मैं कमा नहीं रहा था, लेकिन थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई आई गॉट द कैपेसिटी टू बाय अ न्यू कार. सो अगेन इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम्स. आप यहाँ पे आओ, मेहनत करो. सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो लगती है वो मेहनत है. आप मेहनत करो, आपके सपने साकार ज़रूर होंगे. बचपन में मैं टाउन जाया करता था ओपेरा हाउस के साइड पे, और वहाँ पे गौतम राजा दीक्षित जी का स्टूडियो भी हुआ करता था, मुझे याद है. तो उस रास्ते पे, ओपेरा हाउस के रास्ते पे एक ही मर्सिडीज़ की शोरूम थी, एक ही थी. अभी तो आप काफ़ी जगहों पे उसे देखते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही थी. और वहाँ पे मैं घंटों बाहर फुटपाथ पे खड़े होके शीशे के अंदर देखा करता था, और ऐसा सोचता था, एक सपना था, एक ड्रीम था, यार एक दिन मैं मर्सिडीज़ खरीदूँ, ऐसा मेरा ड्रीम था. और मुंबई ने वो ड्रीम पूरा कर दिया है, मैं मुंबई का आभारी हूँ. सुपर सर, इसके साथ इलेक्शन भी सर पर है. जी, वोटिंग के लिए लोगों को अपील कर दीजिए. जी, देखिए, वोटिंग करना यानी मतदान करना बहुत ज़रूरी है. और क्या आप जानते हैं कि मतदान करना सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का काम है? जी हाँ, क्योंकि जो मतदान करता है वो अपने आप सेलिब्रिटी बन जाता है. यानी कि आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका है, इसलिए मतदान कीजिए, अपने अधिकार का उपयोग कीजिए, अपने ताकत का उपयोग कीजिए और अपने देश को बनाइए. जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा समाज चाहिए,
तो सिर्फ मेहनत करने से और पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, आपको वोट करना ज़रूरी है, क्योंकि वोट करने के बाद ही आपको एक चांस मिलता है पैसे कमाने का, और इट्स अ सर्कल, ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। वोट करने के बाद ही आपको हक है कि आप गवर्नमेंट से जो आपको मिलता है उस पर कंप्लेन करें या फिर अप्रिशिएट करें। सो ये दोनों करना है, तो वोट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और अगर आप शादीशुदा हैं तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम 5 साल में एक बार तो आपको मौका मिलना चाहिए अपना मतदान करने का, अपना मत जो है उसको सामने लाने का। थैंक यू सर। थैंक यू। ऑफकोर्स एज यू ऑल नो, हिंदी इंग्लिश हिंदी, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा है और आपको पता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ये राइवलरी है दो एक भाई और बहन के बीच, लेकिन ये इससे भी और इसमें बहुत सारे लेयर्स भी है। ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये बम्बई शहर से जुड़े बहुत सारे ऐसी कहानियाँ हैं जो ऐसे पॉलिटिकल एक इंसिडेंसेस के बाद कैसे उन पे क्या परिणाम होता है, इसकी भी कहानी है। तो ये ब्रदर सिस्टर राइवलरी ज़रूर है, एंड आई एम प्लेइंग पूर्णिमा गायकवाड़ हु यू कैन टेक अ लुक एट, आई एम प्लेइंग अ वुड बी पॉलिटिशियन और द वन हु वांट टू बी अ पॉलिटिशियन काइंड ऑफ अ रोल। शी इज़ अ पावर वुमन, शी इज़ फियरलेस, शी इज़ very focused, she is very balanced, she knows what she is doing and she is limitless, and for me Purnima Gaikwad is she is this. पूर्णिमा गायकवाड़ और मेरे मुझ में सिर्फ 20% सिमिलैरिटीज है शायद, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा बोलती हूँ उतना ही वो कम बोलती है, मैं जितनी चुलबुली हूँ उतनी वो शांत है, मैं जितनी आउटस्पोकन हूँ उतनी ही वो इंट्रोवर्ट है, और या आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो उसमें है मुझ में नहीं है, एंड हम दोनों में यही डिफरेंस है। सो वी आर डिफरेंट, बट जो हमारे हमें जो सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि हम दोनों ही बहुत एम्बिशियस है, एक बार ठान ली तो कर दिखाते हैं, और अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। रिसर्च करना पड़ा आपको क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे वेरी वेब सीरीज ऑफ दिस, सो आई हैव एक्चुअली प्लेड लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, नॉट ओनली बबली, बट नथिंग सो सीरियस एंड सो कंपोज्ड बिफोर फॉर श्योर। सो आप अगर पूछ रहे हैं कि अगर मुझे क्या तैयारी करनी पड़ी, तो मैंने किसी एक पॉलिटिकल रेफरेंस को फॉलो नहीं किया बिकॉज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। आई फेल्ट दैट द स्क्रिप्ट दैट्स गिवन टू अस, दैट वॉज गिवन टू अस, वॉज द अल्टीमेट थिंग फॉर मी,
और हमने यही कोशिश की है कि जो हमारे राइटर्स ने लिखा है और हमारे जो डायरेक्टर की विजन है वो जो चाहते हैं वही आपके सामने पेश करें। और मैंने इसलिए होमवर्क सिर्फ उतना किया जितना 10 एपिसोड का स्क्रिप्ट मुझे दिया गया था। इट वॉज़ वंडरफुल। सिद्धार्थ के साथ मैंने पहले भी काम कर चुकी हूँ मराठी फिल्मों में, यहाँ पे लेकिन फिर भी अलग था क्योंकि हमने कपल प्ले किया है। यहाँ पे हम लोग भाई बहन हैं लेकिन हमारी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री फिर भी अच्छी है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं। विद सचिन सर एंड एजाज आई हैव वर्कड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई हैव दिस कंप्लेन दैट आई डिडंट शूट विद देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। मेरा उनके साथ काम पूरे शेड्यूल में कुछ सिर्फ दो दिन ही था, ज़्यादा काम साथ में नहीं था, बट आई हैड अ लवली टाइम वर्किंग विद देम टू। एक खासियत है हर एक एक्टर की जो अपना अपना किरदार यहाँ पे प्ले कर रहा है वो जो जब भी हम लोग सेट पे आते थे हम लोग इजाज़ है, प्रिया प्रिया है, सिद्धार्थ है, सचिन सर है, ये सब हम वैन में छोड़ के आते थे। जब हम सेट पे आते थे तब हम हमारा किरदार होते थे और इसलिए हमारा रिलेशनशिप सेट पे भी वैसा ही होता था जैसे कि उस सीन के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे। अगर हमारा ये सब पब्लिसिटी कैंपेन जो है जो लोगों को बता रहा है कि काबिलियत को वोट करो और बाहर जाके वोट करो, तो अगर ये हम कह रहे हैं और लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और बाहर जाके काबिलियत को चुनते हैं जो भी उनको लगे कि काबिल है तो सही बात है। इसके अलावा आगे दिनों के कोई पार्टी को चूज करना है? मैं पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहती। थैंक यू। किरदार करूंगी क्योंकि मैं एक्टर हूं और एक्टिंग करना मेरा काम है, वो मेरी पैशन है और मैं काम करती रहूंगी। कि तो कल मैं अगर डॉक्टर का किरदार करूं तो मैं थोड़ी क्लिनिक खोलने जाऊंगी। अगर मैं इंजीनियर बनूं, मैं वकील बनूं, एक कैरेक्टर प्ले करूं तो मैं थोड़ी कल से प्रैक्टिस शुरू करने जा रही हूं। हाँ नहीं नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती, मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग करना चाहती हूँ। IPL नहीं फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, वोटिंग के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि वोटिंग करना हमारा कर्तव्य है, अधिकार तो है ही लेकिन कर्तव्य है, तो प्लीज़ जाके मतदान कीजिए। थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ नागेश सर के साथ। आई थिंक ये मेरा फोर्थ वेंचर है, पहले लक्ष्मी थी, धनक थी, माया और अब सिटी ऑफ ड्रीम्स, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, ऑलमोस्ट लाइक फैमिली हो चुका है अब तो। और तो मेरे लिए इट्स लाइक कमिंग होम एंड बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ सर्स वर्क, आई हैव लव्ड एवरी थिंग दैट वी वर्कड ऑन टुगेदर प्रीवियसली। सो या, हैप्पी टू बी हियर जी। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हैं ऑल्सो बिकॉज इलेक्शन का दौर है, तो और भी ज़्यादा हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स वैसे भी इतनी चर्चा में रही है ऑलवेज, कुछ ना कुछ मसाला होता रहता है, तो लोग रिलेट ज़रूर कर पाए होंगे एंड आई एम श्योर दे वुड लव इट। हाय, मैंने देखी नहीं है, मैं लेट आई हूँ, सॉरी। अच्छा, मुझे क्या, सॉरी फिर क्वेश्चन क्या है?
मुझे बहुत पसंद आया प्रोमो और मैं वेट कर रही हूँ जाके देखूँ अपना काम देखूँ. आई एम वेटिंग फॉर दैट. गंदी बात के बाद और क्या? ओके, द अदर गुड न्यूज़ इज़ कि सीजन विद लव मेरी शॉर्ट फिल्म विच जस्ट हैड 2 मिलियन मार्क टुडे, सो वो बहुत ही एक्साइटिंग मेरे लिए रहा है. गो वोट, डोंट वेस्ट योर वोट. यस, हाय. Yeah, this side. Yeah. Thank you. बहुत अच्छी है और फर्स्ट एपिसोड में ही इतना सारे एक्टरों ने क्या बोलते हैं बहुत बहुत लेयर्ड काम किया है. तो ऐसा लगता है कि अभी फर्स्ट एपिसोड में जो मैंने एक शो किया था अदालत, उसमें मेरा कैरेक्टर था केडी पाठक. उसमें केडी पाठक की एक लाइन थी कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. तो इस शो में ऐसा लग रहा है कि जो भी जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं. तो बड़ा सस्पिशियस सा, बड़ा एक एनिग्मेटिक, सारे कैरेक्टर्स बड़े एनिग्मेटिक हैं और इजाज इज़ वेरी गुड एज अ कॉप. ऑल द एक्टर्स आर माइंड ब्लोइंग और बस थर्ड में की इंतज़ार कर रहा हूँ मैं और सात स्पेशल्स पे. माय नगरी सिटी ऑफ ड्रीम्स, एक्साइटेड टू वॉच द शो. आई थिंक भाई बहन की कहानी के अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ इसमें, जैसे कि मैं कह रहा था बहुत लेयर्ड शो है. तो फर्स्ट एपिसोड देख के पता चलता है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक कहानी होगी, हर कैरेक्टर का अपना एक पास्ट होगा, हर कैरेक्टर की अपनी डायनामिक्स होगी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहन की कहानी तो है ही, पर उसके अलावा भी बहुत सारी कहानियां हैं इस कहानी में. पॉलिटिकल ड्रामा क्या लगता है, इलेक्शन का भी माहौल चल रहा है, कुछ इम्पैक्ट गिरेगा इलेक्शन के माहौल में ऑडियंस के लिए? ये पता नहीं. आप पर कुछ गिरा है मतलब? According to me, sorry. What's your perspective about this web series? Kuch ek impact girega election?
नहीं मैं कमेंट नहीं करना चाहता उसमें. थैंक यू. कर चुका हूँ, कर चुका हूँ सोशल मीडिया में. थैंक यू. बेहतरीन, बहुत खूब. शूट जब कर रहे थे तब पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी मोड लेगी ये सीरियल, ये शो सीरीज़ जो भी है, लेकिन देखने के बाद नागेश सर ने तो कमाल कर दिया. और उनका ये जॉनर है नहीं ऐसी सीरीज़ बनाने का, ना ऐसी कभी फिल्म उन्होंने बनाई है. बट दिस वॉज आउटस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन. सबसे खास बात क्या लगी पूरी वेब सीरीज में? एक ही एपिसोड देखा है तो अब मैं ज़्यादा मैं रिवील नहीं करना चाहता. मैं भी इस सीरीज़ का हिस्सा हूँ, लेकिन बहुत पकड़ के रखा है सीरीज़ को. ऐसा लगता है मैं तो सोच रहा था कि अब दूसरा एपिसोड भी दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली दूसरा एपिसोड नहीं दिखाएंगे. तो आई डिडंट वांट इट टू एंड, ख़त्म ही नहीं. प्रोमो को भी काफ़ी चल रहा, लोगों ने देखा तो कितनी खरी उतर पाई है और क्या इम्पैक्ट कर पाई? बहुत बहुत खरी उतर पाई है. प्रोमो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि प्रोमो से ज़्यादा ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल है. ऑब्वियसली पूरा एपिसोड जब आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इम्पैक्टफुल हो गई, लेकिन प्रोमो भी बहुत ही इम्पैक्टफुल रहा. जब इंडिया में फेमस नहीं थी तब से आप वेब सीरीज का पार्ट है कह सकते हैं, तो अभी जो हाल है वेब सीरीज का क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? इसके ऊपर मैं अगर ना बोलूँ तो अच्छा है, मैं उस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं घुसना चाहता हूँ. सबका अपना अपना एक नज़रिया है, उनका हक है, वो जो भी करना चाहते हैं वो करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है. लेकिन एक हद तक अगर वेब सीरीज़ बनाएं तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा. न्यू कमर्स के लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानते हैं? बहुत कमाल. न्यू एक्टर्स के लिए नहीं, मैं टेक्नीशियंस की भी बात कर रहा हूँ. कितने लोगों को काम मिला है, लाइटमैन हैं, स्पॉट बॉयज हैं, जो भी बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो गया है वेब सीरीज़ होने की वजह से, तो बहुत ही अच्छी बात है. इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के लिए अपील कर दीजिए लोगों से. वोट कीजिएगा, मैं ज़रूर वोट करूँगा 29th को, मुंबई में वोटिंग है. वोट ज़ाया मत होने दीजिएगा, ज़रूर वोट कीजिए. सभी आप ही की तारीफ कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ओह, ये एपिसोड देखने के पहले या देखने के बाद? वेल, अच्छा है अगर लोगों को पसंद आए. ये फॉर्मेट तो बिल्कुल नया है और ये मेरी पहली वेब सीरीज है, सो लेट्स सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स. वेल, जैसे सर ने कहा, विच इज़ ट्रू, ये फॉर्मेट नया है और जो लोग पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते उनको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में, अंदरूनी क्या कुछ चलता है. सर, इसके अलावा हम जिनसे भी बातें की उन्होंने कहा कि उनका फॉर्मेट नहीं था लेकिन उन्होंने हट के कुछ किया, तो कुछ डिफिकल्टीज आई और कितना रिसर्च करना पड़ा? वेल, अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो तो उसमें रिसर्च तो करना ही पड़ता है. और राइटर होने के एक एडवांटेज ये है कि हर चीज़ में आपको जानकारी ना भी हो तो चलेगा. एंड रोहित मेरे साथ था और वो पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, सो टुगेदर वी रोट. आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल, कितने रिव्यूज देंगे?
5 out of 5. Definitely. there's no doubt, not even a flicker of doubt. Like I said, when I was watching it, जबकि ये फिक्शन है लेकिन ऐसे लग रहा था ये सब ट्रू इंसिडेंट्स पे इतना क्लोजली बेस्ड है कि बहुत बहुत करीबी लग रहा था बीइंग फ्रॉम बॉम्बे नोइंग मुंबई पॉलिटिक्स. नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी नहीं बताऊंगी. कुछ कुछ रिसर्च पब्लिक को भी करनी चाहिए. एग्जैक्टली. और पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी अवेयर होना चाहिए लोगों को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है. हम एक दिन वोटिंग का मिलता है उसमें भी छुट्टियां मनाते हैं. सो हमें कुछ अगर मैं बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा. वेल हर चीज़ से मैसेज तो मिलना करके कोई ज़रूरी नहीं है पर आई थिंक अगर ऑडियंस एंटरटेन हो जाते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट अ शो मेकर कैन होप फॉर. थैंक यू. थैंक यू. Very excited. I think because I've it's there are two reasons for that. One is that I've recently done a show with Applause, that is Criminal Justice, jisko bahut appreciate kiya gaya hai. So this is the second offering and this feels like family now. And dusra ye ki main Nagesh sir ke saath main kaam kar chuki hu. I've done a movie with him called Maya and I really adore him. I love his work. So I'm very excited to see how he has turned his geniuses into a web series now. Promo kaisa laga? Bahut acha laga, bahut unda hai, but that's exactly what I was expecting. It's a very different web series and kudos to Applause ki wo bahut different concepts ke sath kaam kar rahe hain, bahut hi different sensibilities ke sath kaam kar rahe hain. Sir, 30 din ka promo tha aur bahut kuch dikha gaya. Ji. Now what you are expecting? Thrill, excitement and great work. Sorry? Okay, so there is Sacred Games Part 2, which is coming up, and there is a web series that I'm doing with Woot called Asura, and ek film bhi hai, uske announcement thode dinon mein hogi. Acha? Is baare mein mujhe nahi pata. I'm not saying anything. Haan ji. Thank you so much.